हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। पावरफुल वीडियो है, वीडियो ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है भैया। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आ जाऊँगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएँ हैं, पाप में नहीं जीना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे अंदर पाप रहता है तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। पाप के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध बना होता है ना, वो टूट जाता है, क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकती मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। तो हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा है तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है। मगर आज हमारे मसीह भाई बहन पाप कर रहे हैं, पापों में घिनौने कामों में जी रहे हैं, यहाँ तक कि पास्टर प्रचारक भी उसी कामों में लिप्त है मेरे प्रिय भाई बहनों। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं, अंत निकट है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह का वचन कहता है पांच कुंवरियाँ ले ली गई थी, पांच छोड़ दी गई थी, याद रखना। और घमंड परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमें घमंड नहीं करना कि मेरे पास पैसा ये है, वो है, धन है, दौलत है, अपने ऐशो आराम पर पैसों पर घमंड करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है घमंडियों की गर्दन नीची की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपने कानों को खुजली के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो पिता ने आपको हर एक दिन दिखाता है, नया सूरज किरण दिखाता है, ताकि आप अपने पापों से मन फिरा लो। पाप मत करो, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, क्या अंत नहीं, कभी तो अंत होगा इन सब पापों का मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम सभी को तैयार रहना है, पाप नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। वहाँ ना आग बुझेगी, वहाँ ना कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा धोलोक में चली जाएगी, फिर आपकी आत्मा धोलोक से निकाल कर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा जिस शरीर में अपने व्यभिचार और गलत काम किया होगा। पापियों का बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर, तब उस अनंत काल की आग में खूब लबी लबी करना और खूब सेक्स वीडियो देखना, उस समय इतना हाहाकार मचा होगा। आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपने वचन के माध्यम से, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।